खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच अंतर्गत थाना फखरपुर क्षेत्र के, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही में असमय ही जच्चा बच्चा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीड़ित गजाधरपुर के निवासी अशोक कुमार गौड़ ने बताया कि मेरी पत्नी कोमल देवी की डिलीवरी थी, जिसे लेकर बुधवार को 12 बजे फखरपुर स्थित मंजू शुक्ला के प्राइवेट नर्सिंग होम पर लेकर गए थे, जहां पर भर्ती कर इलाज शुरू किया गया और बताया कि नॉर्मल डिलीवरी है, कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। परिजन बाहर इंतजार करते रहे। शाम को जच्चा बच्चा की मृत्यु होने पर हॉस्पिटल संचालिका मंजू NM ने बताया कि आपकी पत्नी बेहोश हो गई है, इसे तत्काल कहीं और ले जाओ। जब परिजन पास पहुंचे तो देखकर होश उड़ गए और महिला को होश में लाने की बात पर अड़ गए, जिस पर महिला व बच्चे को हॉस्पिटल के स्टाफ ने बाहर लाकर फेंक दिया, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है। ऐसी स्थिति में परिजनों ने DM व CM बहराइच को सूचित कर हॉस्पिटल संचालिका के इस तरह की मानवीय संवेदना को तार तार करने की बात बताई और शव को घर ले आए। देर रात SDM कैसरगंज महेश कुमार कैथल व फखरपुर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रत्युष सिंह, SO फखरपुर राजेश कुमार व CO ने दौरा कर परिजनों से उक्त घटना की जानकारी और SO फखरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। तब तक हॉस्पिटल में ताला मार कर संचालिका फरार हो गई। मायके वालों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। अभी तक कोई लिखित शिकायत भी नहीं की गई है। समाज सेवी भगवती प्रसाद वर्मा, सोनू वर्मा, अबू तालिब, मूलचंद संतोष उपाध्याय ने बताया कि ऐसे अवैध हॉस्पिटल फखरपुर, वजीरगंज, गजाधरपुर में बड़ी संख्या में चल रही है। यदि प्रशासन मौन रहा तो इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित तो होती रहेंगी और गांव की भोली भाली जनता डॉक्टरों की लापरवाही में दम तोड़ती ही नजर आती रहेगी, जिस पर अंकुश लगना बहुत ही जरूरी है। बहराइच से संवाददाता अशोक कुमार सोनी की रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पताल मंजू शुक्ला के यहाँ मेरी भयो जो है कुछ डिलीवरी का मैटर था, मैं लेकर के वहाँ पर गया 3 बजे। ले जाने के बाद में मैंने डॉक्टर साहब से वार्ता किया, मंजू शुक्ला से, कि आप देख लीजिए, अगर ठीक ठाक हैं तो आप बताइए, नहीं ठीक है तो बताइए। उन्होंने बताया, खून की जांच भी करवाया तो 9 पॉइंट खून निकला। उसके बाद में बताया कि जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बेटा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। हम कहा ठीक है सर। फिर ये हुआ कि हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में चच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत होने के बाद में हमसे कहा गया कि अपने मरीज को बाहर निकाल ले जाओ, बेहोश है। हमने मरीज को, हम कहा होश में लाइए तब हम बाहर निकालेंगे। फिर उनकी 2 लड़कियां थी, उन्होंने मेरी मरीज को पकड़ करके ला करके रोड पे डाल दिया। उसके बाद मैं अपने घर ले आया। आला अधिकारियों को सूचना दिया गया। CMO साहब कल आए थे जो है थाने में, उन्होंने अनुशासन दिया था कि मैं जो है कल सुबह, SDM और CMO साहब आए हुए थे, उन्होंने अनुशासन दिया कल सुबह मैं उसका हॉस्पिटल सील कर दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर जो कार्रवाई नहीं होती है, LIU साहब को भी अभी मैंने अवगत करा दिया है, कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग CSC का घेराव कर देंगे, सारे पत्रकार भाई मिल करके।